स्वागत है आप सभी का एनएफएनएट क्लास में। आज हम कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन के लिए एक सब्जेक्ट जो कि कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर है उसके हम पीवाईक्यूज देखने वाले हैं जो कि जून 2020 का सेशन है। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उन सभी पे आज हम डिस्कशन रखने वाले हैं, साथ में जो टॉपिक है जिस टॉपिक से पूछा गया है क्वेश्चन उनके थ्योरी को भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो हम लोग को इंस्ट्रक्शन से दिया गया है, ठीक है। कुछ इंस्ट्रक्शंस हम लोग को दिए गए हैं, उनके लोकेशन दिए गए हैं और उनको हमें क्या करना है, इंस्ट्रक्ट मतलब कि एग्जीक्यूट करना है, उनको एग्जीक्यूशन पे लाना है, ठीक है। और एग्जीक्यूट करने के बाद पे हमें बताना है कि यहाँ पर हमें पूछा गया है जो एक्यूमुलेटर है, एक्यूमुलेटर जो कि बात है यहाँ पर ये कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर जो भी होगा एग्जीक्यूशन के बाद, इन इंस्ट्रक्शंस के एग्जीक्यूशन के बाद में जो एक्यूमुलेटर का कंटेंट होगा फाइनल वो क्या होगा वो हमें बताना है, जो कि हमें ऑप्शन में दे चुका है। और वो कैसे फॉर्मेट में होना चाहिए, हेक्साडेसिमल, जैसे कि आप ऑप्शन में भी देख रहे हैं। तो चलिए एक एक करके हम इसे सॉल्व एग्जीक्यूट करते हैं सारे इंस्ट्रक्शन को। सबसे पहले हमने लोकेशन कहाँ गया 210 पे, और वहाँ हमें क्या मिला इंस्ट्रक्शन की CLA, और CLA का मतलब क्या बोल रहा है कि वो बोल रहा है क्लियर एक्यूमुलेटर की बात कर रहा है, ठीक है। जो भी रजिस्टर है एक्यूमुलेटर उसको हमें क्या करना है, क्लियर करना है, ठीक है, हमने कर दिया क्लियर। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या बोल रहा है, अब हम कहाँ जाएंगे 211 लोकेशन पे जाएंगे जहाँ इंस्ट्रक्शन क्या दिया है एड 217, मतलब कि जो कंटेंट है जो 217 पे जो कंटेंट है मतलब 217 मेमोरी लोकेशन पे जो कंटेंट है उस कंटेंट को हमें ऐड करना है किसमें, एक्यूमुलेटर में, मतलब हम एक्यूमुलेटर रजिस्टर में क्या करेंगे जो 217 मेमोरी लोकेशन पे कंटेंट है उनको हम जाके वहाँ पर रख देंगे, मतलब ऐड कर देंगे, ठीक है, क्योंकि अब एक्यूमुलेटर में कुछ नहीं है तो जीरो के साथ उसको ऐड करने से वही आने वाला है। तो अब 217 लोकेशन मतलब कि ये, और इस पे क्या है तो 1234 H है, मतलब हमारा जो एक्यूमुलेटर है ये, और इस पे हमने उसको एक्यूमुलेट करके क्या कर दिया था, ज़ीरो कर दिया था, ठीक है। अब हमने उसको ऐड किया तो क्या आ जाएगा 1234 और एच, उसी लोकेशन को ऐड करने बोला था तो हमने कर दिया। नेक्स्ट हम कहाँ जाएंगे, अब वापस हम कहाँ जाएंगे अपने नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे जाएंगे, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो कि लोकेशन है 212 के अंदर। यहाँ पर क्या बोल रहा है, मेमोरी लोकेशन के बाद इंक्रीमेंट की बात कर रहा है, INC का मतलब यहाँ क्या बोला जा रहा है, इंक्रीमेंट की बात कर रहा है। अब इंक्रीमेंट करने बोल रहा है, ठीक है, इंक्रीमेंट बाय 1, जब भी इंक्रीमेंट होता है हम जब प्रोग्राम करते हैं तब भी हम देखते हैं कि i+1 इस तरीके से कुछ वैल्यू लिखे रहता है या i++ करके लिखा रहता है, तो हम जो भी वैल्यू रहती है उसकी प्लस वन कर देते हैं, मतलब हमें इंक्रीमेंट क्या करना है, जो भी एक्यूमुलेटर की वैल्यू रहेगी उसको हम प्लस वन ले लेंगे, ठीक है। तो प्लस वन मतलब कि अब जब 1 2 3 4 इस तरीके से है, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे प्लस वन करेंगे तो ये वैल्यू कितनी दे देगी हम लोग को 1 2 3 4, और प्लस वन से इंक्रीमेंट करना मतलब 1 2 3 5, और ये एच वैसी का वैसी उतर जाएगा, मतलब अब एक्यूमुलेटर में जो नया कंटेंट होगा वो क्या होगा। अच्छा, अभी हमने क्या किया, सिर्फ अभी हमने ये वाला लोकेशन मतलब ये वाला इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट किया, हमें इंक्रीमेंट करने बोला था एक्यूमुलेटर में जो भी वैल्यू है उसको बाय वन से आप इंक्रीमेंट करो, तो इंक्रीमेंट करने के बाद अब ये आया, क्लियर है, ये आया। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन देखते हैं, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या बोल रहा है 213 लोकेशन पे जो रखा है स्टोर 217, अब जो भी 217 की वैल्यू थी उस पर हम क्या करेंगे, अभी हमने जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट किया मतलब इंक्रीमेंट किया उस वैल्यू को आप स्टोर कर दो इस 217 लोकेशन पे, मतलब कि एक्यूमुलेटर में अब क्या आ जाएगा 4 की जगह पे हम लिख देते हैं 5, क्लियर है, ये हो गया, ये यहाँ चला गया, ठीक है। अब हमारे पास एक्यूमुलेटर में फाइनल वैल्यू क्या है तो 1 2 3 5 H है। अब देखो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या बोल रहा है, लोड करने की बात कर रहा है 214 इंस्ट्रक्शन में लोड 218, अब 218 में लोड करने की बात कर रहा है, ट्रांसफ़र करने की बात कर रहा है, ठीक है, क्या बोल रहा है 218 जो क्या है मेमोरी लोकेशन, अब 218 में जो वैल्यू रखी है उसको हमें लोड करना है किसमें 214 में, तो अब 214 में क्या आ जाएगा 218 पे क्या वैल्यू रखी है 9CE25 जिसको हमें लोड करना है, ठीक है। तो जब लोड करेंगे हम लोग किसमें 214 में, तो 214 लोकेशन में हमने लोड कर दिया 9CE25
ई, टू और एच को, क्लियर है? ये अभी हमने इसको किया, अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन देखना है जो क्या बोल रहा है, सी एम ए। सी एम ए का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट करना है हमें, कॉम्प्लीमेंट करना है एक्यूमुलेटर को, ठीक है, एक्यूमुलेटर को कॉम्प्लीमेंट करना है, मतलब कि अब जो वैल्यू है किसमें, कौन सी वैल्यू को हमें कॉम्प्लीमेंट करना है, तो आपको कॉम्प्लीमेंट करना है, अभी आपने जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट किया जो कि है 9CE2H, उसका हमें कॉम्प्लीमेंट करना है। ये जो सी एम ए बोल रहा है वो कॉम्प्लीमेंट बोल रहा है, और कौन सा कॉम्प्लीमेंट निकालने बोल रहा है, 1S, ठीक है, क्योंकि उसने कुछ मेंशन नहीं किया, तो हम क्या कर रहे हैं, 1S कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, किसका, 9CE2H का। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको बताया था एक एक डिजिट का 4-4 पेयर बना लीजिए, और उसको फिर 8421 के अकॉर्डिंग 01 के फॉर्म में ले आइए। 9 के लिए होगा तो क्या होगा, 8421, अब इसमें हम लोग को 9 लेके आना है, तो मतलब 1 0 0 और 1 हो गया। C के लिए बोलेंगे तो A 10 के लिए होता है, B 11 के लिए हो जाएगा, और जो C होगा वो 12 के लिए होगा, ठीक है, हमें C पूछा था 12, तो 8 + 4 = 12 होता है, तो 1 1 0 0। E के लिए क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 14 12 13 14, मतलब कि 1 1 1 और 0। फिर E हो गया, फिर 2 के लिए, तो 2 के लिए होगा तो 0 0 1 और 0, ये आया। अब इसका हमें 1s निकालना है, ठीक है, अभी हमने इसको बाइनरी में किया। 1s निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जस्ट 1 का उल्टा 0 कर दो और 0 को उल्टा कर दो 1 से, तो ये क्या हो जाएगा, 0 1 1 0, इसका हो जाएगा 0 0 1 1, इसका हो जाएगा 3 times 0 और 1 time 1, और उसके बाद फिर 1 1 0 1। अब ये वैल्यू निकला हम लोग का 1s करने के बाद, ठीक है, ये 1s कॉम्प्लीमेंट निकला हम लोग का, ठीक। नेक्स्ट अब क्या करने बोल रहा है, 216 नेक्स्ट हमारा एग्जीक्यूशन अब यहाँ पर आया। अब बोल रहा है एंड 217, ये जो वैल्यू आई, ठीक है, इसको एंड करना है 217 के वैल्यू के साथ। 217 वैल्यू में क्या स्टोर है एक्यूमुलेटर में, 1 2 3 5 H की बात हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें ये जो बाइनरी है, क्योंकि हम देख रहे हैं जिनके साथ हमें क्या करना है, एंड ऑपरेशन करना है, वो कैसा फॉर्म में है, हेक्साडेसिमल फॉर्म में है, ठीक है, फॉर्मेट में है, और ये किस तरीके का है, बाइनरी, तो किसी भी एक को चेंज कर लो भाई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको आपको हेक्सा में कन्वर्ट करने से पहले, क्योंकि आपको एंड करना है, तो एंड के लिए आपको तो 01 बाइनरी में फिर से कन्वर्ट करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, 1 2 3 5 H को ही सीधा बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद इनका क्या कर लेंगे, एंड ऑपरेशन कर लेंगे, एंड एट लास्ट फाइनल हमें अपना आउटपुट मिल जाएगा, मतलब आंसर मिल जाएगा कि कौन सा ऑप्शन होने वाला है। अब इसके लिए फिर से 8421 के उसमें लेके आइए, सबसे पहले 1 है, तो 1 है तो मैं यहाँ पर रख लेती हूँ इनके नीचे ही, क्योंकि में एंड भी करना है, तो 1 है तो क्या हो जाएगा, 1 के लिए 0 0 0 1 होगा। फिर क्या है, 2 है, 2 के लिए क्या होगा, 0 0 1 और 0 हो जाएगा। 3 के लिए 0 0 1 1, और फिर लास्ट 1 के लिए, सॉरी 5 के लिए क्या होगा, 4 + 1 = 5, मतलब 0 1 0 1, ये आएगा। अब इसका हमें क्या करना है, तो एंड ऑपरेशन करना है, एंड ऑपरेशन करना है हम लोग को, एंड ऑपरेशन मल्टीप्लाई, ठीक है, जब कोई भी मतलब कोई भी एक जीरो रहता है तो 0 दे देता है, दोनों 1 रहेंगे तो 1, तो ये 1 1 जब 1 हो गया, ये हो गया 0, फिर 1 1 जब 1, फिर 1 0 जब 0, इस तरीके से आया, ठीक है। नेक्स्ट फिर ये 1 हो जाएगा, ये 0, ये भी 0, ये भी 0, फिर ये क्या हो जाएगा, 0, फिर ये 1, ये 0, ये 0, नेक्स्ट फिर ये 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0। अब हमें इसको क्या करना है एंड ऑपरेशन के बाद, क्योंकि ये हमारा लास्ट था एग्जीक्यूशन के बाद, ये हमने एग्जीक्यूट कर चुका है, ये भी हमने एग्जीक्यूट कर चुका है, तो ये हम यहाँ से हम क्या हो गए, आउट हो गए, एग्जिट हो गए। अब हमारा एक्यूमुलेटर में जो रजिस्टर, जो एक्यूमुलेटर रजिस्टर है उसमें जो वैल्यू है वो ये है, और हमें क्या पूछा था कि एक्यूमुलेटर में जो भी कंटेंट है वो किस फॉर्मेट में होना चाहिए, हेक्साडेसिमल, तो आप इस फॉर्मेट को चेंज कर लो। चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, ठीक है, नेक्स्ट
ये हो गया क्या 0, इनको सॉल्व करोगे तो 8 4 2, ये हो गया 2, फिर ये 4 का पेयर बनेगा तो ये हो जाएगा 1, और फिर ये 4 + 1 5, मतलब कि 0 2 1 5, और लास्ट में h हमारा जो था वो ऑलरेडी रहेगा, तो आंसर ऑप्शन क्या आ जाएगा 0 2 1 5 h, जैसे कि ऑप्शन नंबर डी है। क्लियर है? तो हमें इस टाइप के इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हमको क्या पता होना चाहिए, ये जो शॉर्ट फॉर्म इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं ना वो हमें याद होने चाहिए कि CMA का मतलब क्या होता है, CLA का मतलब क्या होता है, ऐड करेंगे तो क्या होगा, INC करने से क्या होगा, स्टोर करने से क्या होता है, लोड करने से क्या होता है। सिंपल है, बेसिक है, जो हम शुरू से करते आ रहे हैं, ठीक है, उसी को ही हमें याद रखना है। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आप लोग को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमें लाइनक्स फाइल सिस्टम से दिया गया है। अब लाइनक्स फाइल सिस्टम में हमें दिया गया है और कुछ डेटा है, और एट फाइनल आपको क्या पूछा जा रहा है, तो फाइनल आपको पूछ रहा है कि व्हाट द लार्जेस्ट फाइल, लार्जेस्ट फाइल क्या होगा डेट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय आई नोड। आई नोड फाइल पे मतलब आई नोड जो रिप्रेजेंट करेगा वो लार्जेस्ट फाइल कौन सी होगी वो हमें बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं हमें क्या क्या दिया गया, एक लाइनक्स फाइल सिस्टम है जहाँ पर हमें क्या बोल रहा है, वेयर द ब्लॉक साइज जो होगा उसकी वैल्यू दे दी है आपको 2K bytes में। ब्लॉक साइज का डेटा जो है, ब्लॉक का साइज है वो 2K bytes में है। अ डिस्क एड्रेस इज, ये इज होगा, ठीक है, 32 bits, जो डिस्क का एड्रेस है वो आपको दे दिया है, किसमें, बिट में दे दिया, 32 bit की बात की है। एंड एन आई नोड कंटेन द डिस्क एड्रेस ऑफ द फर्स्ट 12 डायरेक्ट ब्लॉक्स। तो आई नोड, अब क्या हमको यही आई नोड से ही हमें क्या पता करना है, मैक्सिमम फाइल कौन सी सबसे बड़ी वाली फाइल है। अब आई नोड में क्या क्या कंटेंट है वो देखते हैं। पहला बोल रहा है, पहला फर्स्ट 12 डायरेक्ट ब्लॉक है, ठीक है, पहला फर्स्ट 12 डायरेक्ट ब्लॉक फाइल है। दूसरी क्या बात कर रहा है, एक सिंगल इनडायरेक्ट ब्लॉक फाइल है, ठीक है। तीसरा चीज क्या बोल रहा है, एक डबल इनडायरेक्ट ब्लॉक साइज है, ठीक। तो उस तरीके से हमें लार्जेस्ट फाइल बताना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ब्लॉक साइज हम लोग का कितना है, 2K है, इसको कन्वर्ट कर लो, 2K मतलब 2 का पावर log मिलेंगे तो 1, और K के लिए 2 का पावर 10 हो जाएगा, तो ये कितना आ गया, 2 का पावर 11, मतलब ब्लॉक साइज का वैल्यू कितना आ रहा है, 2 का पावर 11 आ रहा है। नेक्स्ट, अब हमें वहाँ बाइट में दिया और ये क्या दिया है, बिट में दिया है, या तो आप उसको बिट में कन्वर्ट कर लो या इसको बाइट में कन्वर्ट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको बाइट में कन्वर्ट करेंगे तो ये 4 byte होगा, ठीक है, 32 bit किस में कन्वर्ट हो गया, 4 byte में। अब सब चीज़ सेम हो गया। अब हमें आई नोड का फाइल क्रिएट करना है, फिर उसमें से हम मैक्सिमम ढूंढेंगे। आई नोड का फाइल में सबसे पहले आपको क्या बोला है, 12 डायरेक्ट ब्लॉक बोला है। तो जब भी याद रखिएगा, जब भी डायरेक्ट ब्लॉक की क्वेश्चन आएगी, मतलब इस तरीके से डायरेक्ट ब्लॉक आपको दिखेगा, तो आपको एड्रेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। एड्रेस इन द सेंस कि एक ब्लॉक का साइज आपको दिया है और यहाँ पर आपको एड्रेस दिया है, सॉरी टोटल ब्लॉक साइज आपको दिया है और एड्रेस दिया है, तो हम ब्लॉक जो ब्लॉक साइज का एड्रेस है वो फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो उसको एड्रेस को फाइंड करने के लिए, आप एड्रेस को फाइंड करने के लिए नंबर ऑफ एड्रेस क्या निकलेगा हम लोग का, हमारे पास क्या है, ब्लॉक साइज, वन ब्लॉक का साइज का वैल्यू कितना आया, 2 का पावर 11, डिवाइड करना है आपको जो एड्रेस बिट दिया है उससे, बाय जिसको हमने कन्वर्ट किया है, तो ये 2 का पावर 2 हो जाएगा, 4 को 2 का पावर 2 log, तो ये क्या हो जाएगा, 11 - 2 यानी 2 का पावर 9, ये जो निकला वो हम लोग का एड्रेस निकला। अब मैं वही बात कर रही हूँ कि डायरेक्ट ब्लॉक में आपको एड्रेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली उस चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट जब बोलेगा तो हम यूज़ करेंगे। तो पहला 12 डायरेक्ट था तो हमने सीधा सीधा 12 दे दिया, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड चीज़ क्या बोला है, एक सिंगल इनडायरेक्ट ब्लॉक है, एक ही इनडायरेक्ट ब्लॉक है, इनडायरेक्ट मतलब कि 2 का पावर 9, क्योंकि हमें एड्रेस लेना है, हमारा एड्रेस निकला 2 का पावर 9, और एक ही था इसलिए हमने एक लिया। तीसरा चीज़ क्या बोला था, डबल इनडायरेक्टेड है, मतलब 2 indirect है, तो उसके लिए हम क्या लेंगे, 2 का पावर 9 × 2 का पावर 9, ये आ गया, ठीक है, ये एक साथ है, ये पूरा एक फाइल है क्योंकि डबल उसने बोला था। अब यहाँ से हमें
यहाँ से हम मैक्सिमम फाइल निकालेंगे। ये आई नोड का पूरा फाइल है, ठीक है। कौन कौन से फाइल है उसमें हमने बता दिया, अब हमें मैक्स निकालना था, तो यहाँ से हम मैक्स निकालेंगे और जैसे ही निकलेगा उसके जो टोटल नंबर ऑफ एड्रेस होंगे उनके साथ हमें उनको मल्टीप्लाई करना है, आगे सॉल्व करना है। यहाँ से मैक्स निकालने का मतलब अब 12 है, फिर 2 का पावर 9 है, और 2 का पावर 9 इंटू 2 का पावर 9 ये क्या हो जाएगा, 9 प्लस 9 मतलब कि 2 का पावर 18। तो अब इन सभी में कौन सा बड़ा है, 2 का पावर 18 है, तो मैक्स फाइल क्या निकल गया, 2 का पावर 18। फिर लास्ट हमने क्या बोला था, जो नंबर ऑफ एड्रेस है उनके साथ मल्टीप्लाई करना है, आगे सॉल्व करना है। आगे सॉल्व करेंगे तो ये कैसे हो जाएगा, 2 का पावर 29 आएगा, है ना, क्योंकि बेस सेम है तो ये ऐड हो जाएंगे 2 का पावर 29। तो ये कैसा हो जाएगा, इसको जब हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो हम ऐसे ले सकते हैं, 9 के लिए हम क्या बता सकते हैं, 512, 2 का पावर 9 यानी 512 आ गई वैल्यू, और बच कितना गया, 20। तो 20 किसके लिए रहता है, मेगाबाइट के लिए रहता है, तो 512 मेगाबाइट आएगा फाइनल आंसर, क्लियर है। तो मैक्सिमम फाइल हमें बोला था, आई नोड के बारे में बोला था, लिनक्स फाइल सिस्टम का स्ट्रक्चर है जिसमें हमने आई नोड का यूज़ किया, जिसमें हमें एक नया चीज़ देखने को मिला क्या कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जब डायरेक्ट बोलेगा तो आपको एड्रेस की वैल्यू नहीं लेनी है, जो सीधा सीधा दिया रहेगा उसी को लेना है, इनडायरेक्ट बोलेगा तो वो कितने हैं उस पर डिपेंड करता है। फिर मैक्स हमको निकालना है और उसके बाद जो नंबर ऑफ एड्रेस रहेंगे उनके साथ आगे उसको सॉल्व करना है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 512, ओके, यहाँ पर अप्रॉक्स लेके चला है तो 513 एम बाइट्स लेके चला है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। हमें सुटेबल ऑप्शन देखना है, ज़रूरी नहीं है कि ये जो लास्ट फाइनल आंसर आएगा वही ऑप्शन में हो, तो हमें उसके लिए सुटेबल ऑप्शन भी देखना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा, बी, जो कि मेगा बाइट वाला है, क्लियर है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है के मैप से रिलेटेड, जो बुलियन फंक्शन का मतलब बुलियन एक्सप्रेशन को और एक तरीका है सॉल्व करने का। जब हमें ज़्यादा वेरिएबल्स दिए रहते हैं, ज़्यादा लंबा एक्सप्रेशन दिए रहते हैं, तब हमें उसको कैसे सॉल्व करना है, तो हम के मैप से सॉल्व करेंगे, ठीक है, जहाँ बॉक्स वगैरह हम बनाए रहते हैं। अब ये डिपेंड करता है उसका बॉक्स, उसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है के मैप का, तो उसके वेरिएबल पर डिपेंड करता है। यहाँ पर हमें क्या, कितने वेरिएबल दिए गए, 4 वेरिएबल्स दिए गए, मतलब कि 16 सेल्स बनेंगे। तो चलिए हम बना लेते हैं बॉक्स, फिर उसमें वैल्यू फिल करना है और फिर ग्रुपिंग करके हमें आंसर देना है। तो यहाँ पर हम लोग करते हैं, एक बॉक्स बनाते हैं जो कि होगा, ये हो गया 1, 2, 3 और 4, ठीक है, ये 4 बॉक्स बन गया। अब एक साइड आप ले लो ए बी वेरिएबल को, दूसरे साइड ले लो सी डी वेरिएबल को। यहाँ पर हम करते हैं तो मैं ऐसे इस तरीके से लिख रही हूँ, आप ए बी को भी लिख सकते हैं 0001, 11 और 10। यहाँ पर भी वही होगा 0001, 11, 10। अब आपको सेल की भी नंबरिंग पता होगी, जैसे कि मैं यहाँ पर 0 फिर 1 फिर 2 इधर जाता और ये 3, उसी तरीके से ये 4, 5 फिर 6 इधर जाएगा, 7 फिर 8 के लिए हमें वापस नीचे जाना है, लास्ट में 8, ये 9 होगा, ये 10, ये 11, फिर उसी तरीके से 12, 13, ये 14 और 15। अब इसमें हमें फिल करना है, फिल करना है मतलब ये जो वैल्यूज़ दी है, तो हम फिल कर लेते हैं। 0, 1, 2, 3 में है, मतलब 0, 1, 2 और 3 में है, ठीक है। नेक्स्ट क्या क्या बोला है, 6, 12, 13, 14, 15, 6, 12, 13, 14, 15। अब हमें, हमने वैल्यूज डाल दिया, अब हमें ग्रुपिंग करना है, ठीक है। ग्रुपिंग करने के लिए एक एक करके हम बनाते हैं, सबसे पहले हमें जो बड़ा ग्रुप बनता है ना उसकी बात करते हैं। 8 का तो बन नहीं रहा है तो हमें 4, 4 का ही लेना पड़ेगा। अब 4 का 2 बनने वाला है, एक ये वाला और एक ये वाला, दो ग्रुप ऑलरेडी हमारा बन गया। इसको आप ले लो G2, इसको ले लो आप G1। अब बच गया क्या, ये वाला 1। अब इसके लिए हमें दो ग्रुप मिल जाएंगे, एक तो आप इस तरीके से भी ले सकते हैं, ये वाला, ठीक है, और एक क्या ग्रुप ले सकते हैं, इसको हम लोग ले लेते हैं G3, ठीक है, और एक ग्रुप हम लोग ले सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं ऑप्शन में हमें, हमारे पास दो ऑप्शंस भी हैं,
मतलब यहाँ पर हमें इस ग्रुपिंग में ग्रुप के टाइम पे हमें दो ऑप्शन मिलेंगे और हम यहाँ पर देख भी रहे हैं ग्रुप में, एक बार में तीन मिलेगा फिर एक बार में तीन, मतलब ये वाला जब हम ग्रुप करेंगे तो देखिए ये कैसा हो जाएगा, ये वाला ग्रुप, ठीक है। तो इसको भी हम लोग ले लेते हैं G3 क्योंकि ये अलग अलग निकलेगा। अब इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। इस G1 ग्रुप के लिए जब हम लोग फाइंड करेंगे तो क्या निकलेगा, क्योंकि ये सब तो सब अलग अलग है मतलब हट जाएंगे, वो बचेगा क्या 0 0, मतलब क्या आ जाएगा A डैश और B डैश, ये ठीक है प्लस। ठीक, नेक्स्ट हम क्या देखने वाले हैं, अगला ये वाला ग्रुप G2, तो ये क्या है 1 1 है, मतलब कि क्या आने वाला है A B आने वाला है। एक ग्रुप हम लोग ले लेते हैं ये येलो वाला G3 को ले लेते हैं, ठीक है। तो अब इसके लिए जब हम लोग लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर क्या है C और D का डैश आएगा, ठीक है, C और D का डैश और इसके लिए यहाँ पर से कॉमन जो होगा उसको लेंगे, मतलब A का डैश आ जाएगा। तो यहाँ देखिए ऑप्शन में ऐसा वाला है क्या, कोई A डैश B डैश, उसके बाद फिर A B, उसके बाद फिर क्या है A डैश C D डैश, एक ये वाला आया 2। तो हमारे पास B, अब B हमारे पास दो जगह है, फोर्थ ऑप्शन में भी है 2 ऑप्शन में भी है, लेकिन हमें पता है कि एक और ग्रुप बनने वाला है, मतलब कि ये तो नहीं आएगा, यही आने वाला है। अब देख लेते हैं हम लोग D में क्या है, ये तो ये आ रहा है कि नहीं, इधर वाला तो सब सेम रहेगा A डैश B डैश प्लस A B। नेक्स्ट जो ग्रुप हमने बनाया था ये रेड वाले से, रेड वाला G3 जो था उसको हम लोग करते हैं, तो ये वापस से C और D डैश ही रहेगा और आगे में क्या आ जाएगा B, तो B C डैश है ना, B C D डैश आएगा, B C D डैश ये वाला, मतलब कि फोर्थ जो कि हमने देख रखा था ऑप्शन में, तो B C D डैश मतलब कि ये दोनों निकल के आने वाला है, मतलब ऑप्शन नंबर क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन होगा जो कि सही है, ठीक है। तो K मैप में हमें क्या याद रखना है कि वेरिएबल के अकॉर्डिंग हमारा बॉक्स बनेगा, साथ में आपको ये जो नंबरिंग है सेल की वो पता होना चाहिए क्योंकि डिफरेंट है, सीधा सीधा नहीं है, ठीक है। और ये हमें पता होना चाहिए कि ये हमने जो कॉम्बिनेशंस लिखे हैं वो कैसे होंगे, और ग्रुपिंग करना फिर ये सब तो बन ही जाएगा। तो ये ईजी था क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछता ही है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो फिलिंग द ब्लैंक्स है। फिलिंग द ब्लैंक्स में आपको कुछ दिया है, टर्म्स दिए हैं, पहला क्या दिया है, हैंड शेकिंग दिया है, प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट दिया है, इंटरप्ट इनिशिएटेड इनपुट आउटपुट और इनपुट आउटपुट प्रोसेसर दिया है। तो इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं फिर हम यहाँ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं हैंड शेकिंग, ठीक है। अब हैंड शेकिंग मतलब हैंड शेक हम लोग कब करते हैं, जब एक सामने वाला पर्सन होगा और फिर मैं, तो हम दोनों मिलाएंगे हाथ तो वो हैंड शेकिंग होगा। उसी तरीके से हैंड शेकिंग की क्या बात होती है, प्रोवाइड्स टू लाइन्स बोल सकते हैं, टू सिग्नल्स बोल सकते हैं, एंड एक्नॉलेजमेंट स्ट्रॉब एंड एक्नॉलेजमेंट, सेंडर यूजेज अ स्ट्रॉब लाइन टू सेंड कंट्रोल सिग्नल टू रिसीवर इन्फॉर्मिंग हिम अबाउट द डेटा ट्रांसमिशन, एंड रिसीवर यूजेज एक्नॉलेजमेंट लाइन टू सेंड कंट्रोल सिग्नल टू सेंडर एक्नॉलेजमेंट हिम डेट इज रेडी टू रिसीव डेटा। मतलब हैंड शेकिंग में बोल रहा है दो सिग्नल्स होंगे, सेंडर एक सिग्नल भेजेगा एक्नॉलेजमेंट के साथ, बोलेगा एक कंट्रोल सिग्नल भेजता है रिसीवर को कि वो डेटा को सेंड करने के लिए रेडी है। उसी तरीके से रिसीवर भी क्या करता है कि वो भी एक कंट्रोल सिग्नल भेजेगा अपने सेंडर को और बोलेगा कि मैं डेटा को रिसीव करने के लिए रेडी हूँ, तब वहाँ पर क्या होगा, हैंड शेकिंग की बात आएगी। तो ये था पहला टर्म। नेक्स्ट क्या बोला है, प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट। प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट एक मेथड है, ठीक है, डेटा ट्रांसमिशन करने के लिए बिटवीन CPU और पेरिफेरल डिवाइसेस, CPU और पेरिफेरल डिवाइसेस के बीच में डेटा ट्रांसमिट करना है तो एक मेथड कौन सा होता है, प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट होता है। ईच डेटा आइटम ट्रांसफर इज इनिशिएटेड बाय इंस्ट्रक्शन इन द प्रोग्राम। प्रोग्राम में कहीं पर पता हो मतलब लिखा होगा कि हमें अभी इस वाले हार्डवेयर की ज़रूरत है या पेरिफेरल डिवाइसेस की ज़रूरत है, तो वो CPU को क्या करते हैं, एक सिग्नल भेजते हैं कि वो डेटा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, प्रोग्राम इनपुट आउटपुट। तीसरा क्या बोल रहा है, इंटरप्ट इनिशिएटेड इनपुट आउटपुट, ठीक है, इंटरप्ट इनिशिएटेड, तो ये एक तरीके का ड्रिवन है जो कि इनपुट आउटपुट CPU के लिए है, ठीक है। कहाँ इंटरप्ट कहाँ जाएगा, CPU को पता चलेगा, एक सिग्नल उसको मिलेगा इंटरप्ट के लिए, वो चेक करेगा स्टेटस को इंटरप्ट फ्लैग का,
बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ ईच इंस्ट्रक्शन, हर इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूट करने से पहले वो इंटरप्ट फ्लैग को चेक करेगा कि कोई इंटरप्शन आया है कि नहीं। आया होगा तो वो उसको पहले सॉल्व करेगा, ठीक है, अगर हाई प्रायोरिटी वाला होगा तो, और नहीं होगा तो जो अभी वो एग्जीक्यूट कर रहा है उसी की बात करेगा। लास्ट जो होता है वो इनपुट आउटपुट प्रोसेसर होता है, इट हैज़ अ लोकल मेमोरी एंड कंट्रोल लार्ज सेट ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। तो ये कुछ थे टर्म्स जो हमें पता होने चाहिए और इम्पॉर्टेंट टर्म्स है, पूछते रहता है तो हमें याद होना चाहिए, ठीक है। अब हम करते हैं इसका मैच, ठीक। हैंड शेकिंग मतलब दो सिग्नल की बात होती है, तो देख लो भाई कहाँ पर है, कौन सा आ जाएगा, ये रिक्वायर टू सिग्नल्स, टू कंट्रोल सिग्नल वर्किंग इन अपोजिट डायरेक्शन, सेंडर और रिसीवर की बात होती है, ठीक है। उनके बीच में कभी भी डेटा ट्रांसमिट करने से पहले हमें क्या बनाते हैं, कनेक्शन बनाते हैं। तो वो पहले एक्नॉलेजमेंट भेजता है और फिर रिसीवर वाला भी एक्नॉलेजमेंट भेजता है कि हम दोनों, मतलब उससे क्या पता चलता है कि वो दोनों ही रेडी हैं डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए। मतलब क्या आ जाएगा, सेकेंड ए का सेकेंड आपके पास दो जगह है, ठीक है, और यहीं से पता चल रहा है बी का भी क्या होने वाला है, फोर होने वाला है। तो बी को हम ले जाते हैं यहाँ, हमने देखा था प्रोग्रामड इनपुट आउटपुट जो पेरिफेरल डिवाइसेस से कुछ डेटा ट्रांसफ़र करना चाह रहा है तब वहाँ पर बात होती है, ठीक है। नेक्स्ट इंटरप्ट इनिशिएटेड, सीपीयू चेक करता है हर एग्जीक्यूशन के बाद इंटरप्ट फ्लैग को कि कोई इंटरप्शन आया है कि नहीं। तो कौन से चला जाएगा, वो सी का फर्स्ट आ जाएगा। इनपुट आउटपुट इंटरफेस इन्फॉर्म्स द सीपीयू दैट डिवाइस इज रेडी फॉर ट्रांसमिशन, तो सी का फर्स्ट मतलब कि ये, और डी का क्या आ जाएगा, थर्ड हैज़ लोकल मेमोरी एंड कंट्रोल लार्ज सेट फ्लैग, ठीक है। तो ये मैच द फॉलोइंग था। तो कुछ चीज़ों, कुछ टर्म ऐसे होते हैं जिनको हमें पता होना चाहिए, फिर उसके बाद ही हम सॉल्व कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ से टू और थ्री में तो ऑलमोस्ट सेम था, हम सी और डी में फंस जाते अगर नहीं पता होता तो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैं स्टेटमेंट वाइज दिया गया, दो स्टेटमेंट है, करेक्ट कौन सा है वो पूछ रहा है। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट कैन बी ऑप्टिमाइज्ड टू प्रोडक्ट फास्ट मोड ऑफ ऑपरेशन। दूसरा बोल रहा है इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड नीड्स टू मेमोरी रेफरेंस टू फेच द ऑपरेंड। तो सेकेंड वाला तो ईजी है, हमने एड्रेसिंग मोड पढ़ा है इससे पहले भी, कि यहाँ पर क्या बोल रहा है, जो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है, नाम ही से पता चल रहा है इनडायरेक्ट, मतलब पहले हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे, जो हमारे पास इंस्ट्रक्शन होते हैं उस इंस्ट्रक्शन में आपके पास एड्रेस नहीं होगा, आपके पास एक एड्रेस दिया जाएगा और वो एड्रेस एक्चुअल वैल्यू का एड्रेस नहीं रहता है, ठीक है। वो एड्रेस जहाँ इफेक्टिव एड्रेस रखा है उसकी वैल्यू है, मतलब ये एक मेमोरी में जाएगा जिस भी लोकेशन में होगा। अब यहाँ पर हमें इफेक्टिव एड्रेस मिलेगा, इफेक्टिव एड्रेस का मतलब होता है कि एक्चुअल में वहाँ पर ऑपरेंड स्टोर्ड है। मान लीजिए मेरा 10 है ऑपरेंड, मैं उसको एक्सेस करना चाह रही थी, तो उसका एक्चुअल वाला एड्रेस यहाँ स्टोर नहीं होगा, कहाँ होगा, उसके पहले वाला जो हम फेच करेंगे मेमोरी उस पे स्टोर होगा, ठीक है। तो ये जो है डायग्राम उसको याद रखिए, ये होता है इनडायरेक्ट का। डायरेक्ट में आपको यहीं पर इफेक्टिव एड्रेस देगा, आप उसमें जाके आप मेमोरी में उस डेटा को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, डबल बार मेमोरी को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होगी, यहाँ पर हम डबल रेफरेंस ले रहे हैं, क्लियर है। तो सेकेंड तो सही है, अब सेकेंड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट के लिए हम थोड़ा चलते हैं उसके थ्योरी पे, उसका डिस्कस कर लेते हैं एक बार। हार्ड वायर्ड कंट्रोल टेक्निक है, एक कंट्रोल सिग्नल्स है जो जनरेट होता है बाय मींस ऑफ हार्ड वायर सर्किट। हार्ड वायर सर्किट के थ्रू एक कंट्रोल सिग्नल जनरेट होता है, ठीक है। उसका कुछ मेन ऑब्जेक्टिव है कंट्रोल यूनिट टू जनरेट द कंट्रोल सिग्नल इन प्रॉपर सीक्वेंस, एक प्रॉपर सीक्वेंस में वो जनरेट करता है। कुछ एडवांटेजेस दिए गए हैं, इट इज़ फास्टर देन द माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट। माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट का एडवांस वर्जन है बोल सकते हैं, फास्टर है। इट कैन बी ऑप्टिमाइज्ड टू प्रोड्यूस फास्ट मोड ऑफ ऑपरेशन, फास्ट मोड ऑफ ऑपरेशन के लिए ऑप्टिमाइज करता है। सेकेंड क्या बोला है, डिसएडवांटेज की बात किया है। डिसएडवांटेज में कह रहा है द इंस्ट्रक्शन सेट द कंट्रोल लॉजिक इज डायरेक्टली इम्प्लीमेंटेड। दूसरा जो है वो बोल रहा है रिक्वायर्स चेंज इन राइटिंग ऑफ राइटिंग इफ द डिजाइन हैज़ टू बी कंट्रोल्ड। थर्ड किसकी बात की है, एन ऑकरेंस ऑफ एन एरर इज मोर, एरर का ऑकरेंस ज़्यादा होता है इसमें, डिसएडवांटेज है यही इसका। इट रिक्वायर्स मोर चिप एरिया देयरफॉर इट इज़ कॉस्टलियर, ज़्यादा जगह चाहिए चिप में और कॉस्टली भी है, ठीक है। देख लेते हैं हम ऑप्शन में क्या बोला है हम लोगों, मतलब हमारे स्टेटमेंट में क्या बोला है।
हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट कैन बी ऑप्टिमाइज्ड टू प्रोडक्ट फास्ट मोड ऑफ ऑपरेशन. फास्ट मोड है प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट का. क्या चीज़ का था? प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट का फास्ट मोड है ना, तो वो होता है क्या? सही बता रहा है. तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है? सही है. मतलब बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू. मतलब कि ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है? फर्स्ट सही होने वाला है. अगला क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कैश मैपिंग से रिलेटेड है. कैश मैपिंग हमने देखा था इससे पहले वाले सेशन. आपने अगर नहीं देखा है तो जाके ज़रूर देखिए, जहाँ पर मैंने बताया था कि उसके कुछ तीन टाइप्स हैं. डायरेक्ट कैश मैपिंग होता है, एसोसिएटिव कैश मैपिंग होता है और सेट एसोसिएटिव. यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा है किससे? डायरेक्ट कैश मैपिंग से. अब डायरेक्ट कैश मैपिंग में आपको बता दिया है कि जो मेमोरी, जो मेन मेमोरी का जो साइज़ है वो 2 का पावर 16 bytes है. ठीक है, 2 के पावर 16 bytes है उन्होंने बता दिए हैं. ब्लॉक साइज़ कितना है बोला? एक ब्लॉक साइज़ का वैल्यू है, साइज़ है 8 bytes. ठीक है, नेक्स्ट क्या पूछ रहा है आपको? कंजिस्ट है 32 lines का यूज़ कर रहा है, 32 lines यूज़ कर रहा है. 3 data हमें दिया है. फाइनली पूछ रहा है हाउ मैनी बिट्स विल बी देयर इन टैग. टैग लाइन में कितने बिट्स होंगे एंड वर्ड फील्ड में कितने बिट्स होंगे वो हमें बताना है इस तरीके से. ठीक है, ऑप्शन में तो हम देखते हैं. अब देखो, इसके लिए हमें एक स्ट्रक्चर बस याद रखो आप लोग. 3 फील्ड का रहता है. ये हमारा मेन मेमोरी हो गया. ठीक है, ये मेन मेमोरी हो गया. अब इसके 3 फील्ड हैं. पहला जो फील्ड होता है वो टैग होता है. दूसरा जो फील्ड होता है वो कैश लाइन की बात करता है जो आपको अभी क्वेश्चन में दिया है. और तीसरा जो होता है वो वर्ड लाइन बोल सकते हो, वर्ड ऑफसेट बोल सकते हो, उसकी बिट होगी. इन सभी का हमें बिट बताना है. क्लियर है? मेन मेमोरी का साइज़ आपको दिया है 2 का पावर 16 byte. मतलब कि हम क्या ले सकते हैं, बिट में अगर बात करें तो 16 का है टोटल. अब उसमें से कैश लाइन हमें दिया गया है ना 32 lines, बस उसका लॉग ले लो तो क्या आ जाएगा? 5. तो 5 bit निकल गया कैश लाइन का. नेक्स्ट अब हम देखते हैं ब्लॉक साइज़ दिया है हम लोग को कितना? 8 byte. तो हमेशा याद रखिएगा जो ब्लॉक साइज़ होगा वही वर्ड की बात कर रहा है, वर्ड ऑफसेट की बात कर रहा है, वर्ड लाइन की बात कर रहा है. एक ब्लॉक में ही तो डेटा रहेंगी ना, ब्लॉक्स के अंदर ही तो डेटा रहेंगी. तो 8 byte बोला है, मतलब 2 के पावर में क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा. तो वो हो गया 3 bit. नेक्स्ट टैग की बात कर रहा है. अब देखो 5 plus 3 8 और 8 minus 16 निकल गया 8 bit. तो क्या आ जाएगा, कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? 853, मतलब कि फर्स्ट. क्लियर है? इसी तरीके से ये आपको एसोसिएटिव और सेट एसोसिएटिव निकालना है. बस उसका स्ट्रक्चर जो फील्ड है वो डिफरेंट हो जाएगा. तो जब उसके क्वेश्चंस आएंगे तब हम सॉल्व करेंगे उसको. ठीक है, ये जो था, ये जो पूरा सीक्वेंस था वो डायरेक्ट कैश मैपिंग का था. ठीक है, डायरेक्ट कैश मैपिंग. तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस पूछेगा, कभी इसका बिट पूछेगा, कभी इसका बिट पूछेगा, कभी आपको टोटल मेमोरी किस कितने बिट हो रहे हैं वो पूछ देगा, इस तरीके से रहेगा. ठीक है, तो ये क्लियर हुआ. आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मतलब एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, पाइपलाइन. ठीक है, जहाँ आपको क्या पूछा है, इससे पहले वाले में भी सेम टाइप से पूछा था, बस वैल्यू चेंज कर दिया था. इस बार भी वही पूछ रहा है, स्पीड अप रेशियो क्या होगा. स्पीड अप निकालने के लिए हमेशा याद रखिएगा पाइपलाइन की वैल्यू निकालेंगे, फिर नॉन पाइपलाइन की वैल्यू. दोनों के लिए डेटा दिया है. क्या क्या दिया है? नॉन पाइपलाइन के लिए आपको बोला है कि 50 nanoseconds लग रहा है टू प्रोसेस अ टास्क. एक टास्क को प्रोसेस करने के लिए 50 nanoseconds लग रहा है. तो टोटल नंबर ऑफ टास्क कितने हैं वो हमें दिया है, ये 4 होगा, 500 टास्क. तो हम पाइपलाइन पहले निकाल लेते हैं. पाइपलाइन के लिए मैंने बताया था क्या होगा फॉर्मूला, n into tp, मतलब नंबर ऑफ टास्क 500 into क्या निकलेगा, 50 nanoseconds. तो ये क्या हो जाएगा, 2500 nanoseconds. ठीक है, ये निकला पाइपलाइन के लिए. अब हमें क्या निकालना है, नॉन पाइपलाइन. तो इसका भी एक फॉर्मूला था, क्या था, n-1+k into tnp. क्योंकि अगर हम टीपी लिखेंगे सेम हो जाएगा. ठीक है, तो टीएनपी मतलब नॉन पाइपलाइन हो गया. क्लियर है? अब हम देखते हैं
ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेगमेंट्स की बात होती है। अब सेगमेंट की बात हो रही है तो फिर n हमारे पास क्या है, 500 है माइनस 1 प्लस k हमें दिया होगा। सेगमेंट्स, सेगमेंट जो हमें दिया गया है वो 6 सेगमेंट दिया गया है, ठीक है, 6 सेगमेंट दिया है। और क्लॉक साइकिल जो दिया, इनको समय लगने वाला कितना है, 10 नैनो सेकेंड। तो यहाँ पर हमने 6 लिखा इंटू 10 की बात हो रही है। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये 499 हो जाएगा प्लस 6 हो जाएगा, ठीक है, इंटू 10, ये हो जाएगा 5, ये 10 और 5 इंटू 10 करने से कितना आ जाएगा, 5050 नैनो सेकेंड। ये नॉन पाइपलाइन, तो पहले क्या होना चाहिए, पाइपलाइन, फिर नॉन पाइपलाइन। तो 2500 डिवाइड बाय आपको करना है 5050 के साथ, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 4 कुछ समथिंग आएगा। तो ये जो हम लोग का निकलेगा वो क्या निकलेगा, स्पीड अप निकलेगा, स्पीड अप रेशियो हम बोल सकते हैं। स्पीड अप क्या निकलेगा, तो 4 कुछ समथिंग आएगा। एक ही ऑप्शन है तो आप 4 पहले से ही पता कर सकते हैं और डेसिमल निकालने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर आपके पास दो ऑप्शन होता 4 वाला तो आपको डेसिमल निकालने की ज़रूरत रहती, ठीक है। तो ये जो था वो सिलसिला था किसका, पाइप लाइन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो पूछा है हम लोग को फ्लिंट्स क्लासिफिकेशन से, ठीक है। फ्लिंट्स क्लासिफिकेशन जो कि एक पाइपलाइनिंग के ही बात होती है, ठीक है, जहां हम पैरेलल एग्जीक्यूशन की बात करते हैं उसकी बात होती है। तो यहां आपको पूछा है क्या, डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछा है, कॉम्प्लेक्सिटी के बेस में डिसेंडिंग ऑर्डर करना है हम लोगों को, किसको, SISD को, MIMD को, SIMD को, क्लियर है। तो सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्सिटी किस में होगा, सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी किस में होगा, तो कॉम्प्लेक्सिटी के अनुसार सबसे ज़्यादा किस में होने वाला है, MIMD में, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा, ठीक है। मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मतलब कि मल्टीपल CPUs हैं वहाँ पर, और मल्टीपल इंस्ट्रक्शन के साथ मल्टीपल डेटा के साथ वर्क किया जा रहा है, इसलिए उसकी कॉम्प्लेक्सिटी पहले होगी, तो पहले ये आने वाला है। दूसरा किसकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी, सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा, ठीक है, जहाँ पर हम सिंगल इंस्ट्रक्शन, सेम इंस्ट्रक्शन को मल्टीपल डेटा स्ट्रीम के साथ काम करेंगे, ठीक है। सेम इंस्ट्रक्शन यानी एक ही इंस्ट्रक्शन होगा पर डेटा मल्टीपल होगा, मल्टीपल डेटा स्ट्रीम के साथ हम वर्क करेंगे, तो सेकेंड कॉम्प्लेक्सिटी जो होगी वो SISD की होगी। और थर्ड जो होगा वो SIMD मतलब सिंगल इंस्ट्रक्शन भी रहेगा, सिंगल डेटा भी रहेगा, सिंगल प्रोसेसिंग यूनिट के साथ। तो सबसे कम कॉम्प्लेक्सिटी किसके साथ होगी, इसके साथ। एक और रहता है MISD होता है, MISD, चार टाइप्स होते हैं, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा स्ट्रीम, मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस हैं लेकिन डेटा स्ट्रीम एक ही है, तो एक ही डेटा स्ट्रीम पे वर्क करेगा, मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है। तो वो एक होता है जो नहीं दिया है, हमको सिर्फ 3 में बताना था। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, MIMD मतलब B, फिर C, फिर A, तो BCA मतलब कि थर्ड ऑप्शन, ठीक है। तो ये था नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि फ्लिंट्स क्लासिफिकेशन से था। पैरेलल एग्जीक्यूशन की यहाँ पर हम बात करते हैं, तो ये मैंने यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दे दिए हैं तीनों से। और MISD जो था, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा स्ट्रीम, वो भी इसी तरीके से आप बना सकते हैं, ईजी है, कोई बड़ा टॉपिक नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो फिर से स्टेटमेंट वाइज दिया गया है। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन दिया है वो आपको के सेगमेंट से रिलेटेड दिया है, ठीक है। उसके लिए हमें कौन सा थ्योरी सही है, मतलब कौन सी स्टेटमेंट सही है, उसकी बात करना है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमें क्या कर लेना चाहिए, जो नहीं है, ठीक है, उसको हटा लेना चाहिए। तो जो सबसे पहले नहीं होगा वो क्या होगा, ऑल सेगमेंट इन पाइपलाइन टेक सेम टाइम इन कंप्यूटेशन। अब सेगमेंट्स ही हमने अलग अलग बनाया है, ठीक है, एक यहाँ पर इसका सेगमेंट, एक यहाँ, इस तरीके से। तो भाई वहाँ पर सेम टाइम कैसे लगेगा, जैसे अभी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, रीसेंट वाला ही एग्जांपल लेते हैं, जो कोरोना अभी फैला हुआ था, डिसीज़ जो हुआ था, उस पर हमें लगवाना था क्या, इंजेक्शन डोज लगवाना था, जिसके लिए हमें लाइन लगना था। अब लाइन लगने के लिए वहाँ भी तो सेगमेंट्स थे ना, पार्ट पार्ट था। सबसे पहले आपको नंबर दी जाती थी, मतलब आपका नंबर किस लाइन पर लगा है, किसके बाद लगा है, कौन से नंबरिंग पे हैं आप, उसकी बात होती थी। तो पहला सेगमेंट वो लगा। दूसरा सेगमेंट क्या था कि आप जाते थे, अपना आधार देते थे, फिर उसमें वो लिंक करते थे कुछ कुछ, ये सारी
वाली चीज़ें थी वर्किंग, ठीक है। फिर तीसरे पार्ट में आपको क्या मिलता था कि फिर कुछ चेकिंग वगैरह होती थी। फिर फोर्थ टाइम्स आप जब जाते थे फोर्थ उसमें सेगमेंट में, तब फिर वहाँ आपको डोज लगता था फाइनल। इसके लिए बहुत लाइन लगना पड़ रहा था। तो क्या हर कोई मतलब हर सेगमेंट में आपको टाइम इक्वल टाइम लग रहा था क्या? नहीं लग रहा था भाई। जो नंबर देने वाला है उसको पता है कि आगे मैं 10वें को भेजाऊँ मतलब नेक्स्ट कितने वाला नंबर होगा, ये 11, तो उसको लिखने में कितना टाइम लगेगा। लेकिन जब वो फिर ये 10 वाला को जब उसने भेज दिया, ठीक है, और 11 वाला वहाँ आया तो वो चल रहा था, 10 वाला आगे गया। यहाँ बस आधार से हमें क्या कराना था, लिंक कराना था, तो उसमें टाइम लगा। अब 11 वाला आके खड़ा है तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पर ज़्यादा टाइम लगा। फिर नेक्स्ट कुछ हुआ, चेकिंग हुई आगे प्रोटेक्शन के लिए, तो वहाँ थोड़ा टाइम लगा। तो इस तरीके से यहाँ जो बोल रहा है कि हर सेगमेंट में सेम टाइम लग रहा है, वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो के सेगमेंट पाइपलाइन में सेगमेंट ही इसलिए बनाया गया है कि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा वहाँ, सेम टाइम तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा, ऊपर नीचे हो सकता है। तो फिर ये क्या हो जाएगा, गलत। अब सीधा है कि आप देख सकते हैं सी ऑप्शन यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, जो नहीं आने वाला है, जो फॉल्स है। तो सही क्या हो जाएगा, ए और बी। मैक्सिमम स्पीड अप डेट पाइपलाइन कैन प्रोवाइड, इसके के स्पीड अप वो दे रहा है पाइपलाइन, जो कि थ्योरेटिकली सही है। थ्योरेटिकली इसकी बात सही है, प्रैक्टिकल नहीं हो पाया है मतलब इस चीज़ का, इसको थ्योरेटिकली सही बोला गया है। सेकेंड क्या बात कर रहा है, इट इज़ इम्पॉसिबल टू अचीव मैक्सिमम स्पीड अप के इन के सेगमेंट पाइपलाइन। ये क्या बोल रहा है, इम्पॉसिबल बोल रहा है, ठीक है, के सेगमेंट पाइपलाइन में के अचीव करने के लिए। तो एज अ प्रैक्टिकल मैं बोली फर्स्ट वाली लाइन में दोनों ही सेम है, बट ये बोला एज अ थियोरिटिकल हम पढ़ते हैं, और थियोरिटिकल ये सही है स्टेटमेंट, लेकिन एज अ प्रैक्टिकली अगर इस चीज़ को फॉलो करने बोलेंगे तो बहुत ही माइनर डिफरेंस होता है जो हम नहीं निकाल सकते, मतलब नहीं उसको लिया जाता है, तो इसलिए इम्पॉसिबल बात कर रहा है। तो प्रैक्टिकली सही नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं, लेकिन थियोरिटिकली सही है, इसलिए स्टेटमेंट फर्स्ट और बी मतलब ए और बी जो होगा वो सही होगा, सी नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला जो क्वेश्चन है वो हमें डिस्क से रिलेटेड पूछा गया है, ठीक है। अब डिस्क से रिलेटेड पूछा है तो सबसे पहले तो हमें डिस्क का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। डिस्क का स्ट्रक्चर आपको जो पता होगा तो कुछ इस तरीके से रहता है, प्लेट प्लेटिंग वाला रहता है यहाँ पर, ठीक है, ये डिस्क है हम लोग का, ठीक। इस तरीके से आपके पास डिस्क रहता है। अब डिस्क का स्ट्रक्चर मतलब उसमें हम देखें बहुत सारे प्लेट्स रहते हैं, हम यहाँ दो का करके बताते हैं, ठीक है, ये इस तरीके से है, फिर ये कुछ इस तरीके से बना रहता है। यहाँ हम लोग के पास एक बस रहता है। अब मेरे डायग्राम पे मत जाइएगा क्योंकि कभी कभी अच्छा बनता है, कभी कभी नहीं बनता है, तो इट्स नॉर्मल। और ये हो गया हम लोग का रीड राइट हेड, जो कि सेक्टर में जब हम इसको लेके जाते हैं कि कोई भी डेटा हमें सॉल्व लेना रहता है, एक्सेस करना रहता है, तो उसके लिए हम इस रीड राइट हेड से ही एक्सेस करते हैं। फिर इस बस के थ्रू क्या होता है, हमारे पास वो डेटा मतलब सीपीयू तक जाता है वो डेटा जो भी उसको ज़रूरत रहता है, ठीक है। तो ये एक बात हुई। अब ये जो है वो प्लेट है, ठीक है, इसका मैं बता देती हूँ, हम लोग लेबलिंग भी कर लेते हैं, नामकरण, ठीक है, ये प्लेटर हो गया, ठीक। अब ट्रैक जिसको बोलते हैं वो क्या होता है, ये जो है आपका ये वाला, ये ट्रैक है, ठीक है, इस तरीके से। वैसे यहाँ पर भी रहता है, सॉरी ये इधर जाएगा, ओहो ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा, ठीक है। और फिर क्या बात आती है, सेक्टर की बात आती है। तो सेक्टर इस ट्रैक के अंदर जो ये एक पोर्शन रहता है, एक ब्लॉक, इसको हम क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं, ठीक है। ये जो है ये क्या है, रीड राइट हेड है, ठीक है, ये स्प्लिंडल बोलते हैं इसको, स्प्लिंडल बोलते हैं, जो कि रोटेशन के लिए रहता है ना, रोटेट होगा जब हमें, अब भाई ये क्या है, गोल है मतलब कि राउंड शेप में है, जब हमें डेटा लेना रहेगा तो ये रोटेट होगा, तो रोटेशन के लिए रहता है। ये हमारा इनपुट आउटपुट बस होता है, जहाँ डेटा मिलने के बाद हम सारी चीज़ें कर सकते हैं। अब ये डिस्क स्ट्रक्चर है, इतना समझ गए होंगे। इसी तरीके से और भी प्लेट्स हो सकते हैं, और भी डिस्क हो सकते हैं। डिस्क स्ट्रक्चर में अभी मैंने दो का बताया। क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। अ डिस्क विथ अ सेक्टर साइज 512 बाइट्स, सेक्टर में कितने
जो सेक्टर का साइज़ है वो 512 है, मतलब कि हम वहाँ 512 बाइट्स जितना डेटा रख सकते हैं। देन फिर क्या है, 2000 ट्रैक्स है पर सरफेस में, हर सरफेस, सरफेस दो होते हैं जो होंगे हमारे सीडी जो होते हैं, डिस्क जो होते हैं, उसके दो सरफेस, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला होता है, ठीक है। तो एक प्लेट के दो सरफेस। अब यहाँ क्या हो रहा है, 50 सेक्टर पर ट्रैक है, ट्रैक्स जो ये है ये वाला, ये कितने हैं, 50 है, सॉरी 50 सेक्टर पर ट्रैक्स बोला है, हर ट्रैक में, हर एक ट्रैक में 50 सेक्टर हैं, ये जो बॉक्सेस बने ना ये वाले, ये जो है वो 50 हैं बोल रहा है। नेक्स्ट हमें इंफॉर्मेशन क्या दिया, 5 डबल साइडेड प्लेटर है। इसी तरीके से हमारे पास 5 प्लेट और है, 5 प्लेट और मतलब कि 3 और है, 2 हमने तो बना लिया, तो इसी तरीके से 5 प्लेट है। एंड एवरेज सीक टाइम आपको दे दिया है 10 मिली सेकेंड्स, ठीक है, ये क्लियर है। क्वेश्चन हमें पूछा है, मतलब देखो इसी डिस्क स्ट्रक्चर से एक क्वेश्चन से आपको 5 सब क्वेश्चन मिलेंगे, इसका ही हमें यूज़ करना और इस तरीके से हम 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये इस ईयर में पूछा गया था, द कैपेसिटी ऑफ ट्रैक, ट्रैक का कैपेसिटी बाइट्स में बताना है। उसके बाद एस जो है वो बोल रहा है सरफेस का कैपेसिटी कितना होगा वो बताना है, मतलब ट्रैक का कैपेसिटी और सरफेस का कैपेसिटी क्या होगा वो हमें बताना है। अब देखो ट्रैक का कैपेसिटी मतलब वो क्या क्या होल्ड करके रखा, अब ट्रैक के अंदर क्या रहता है, सेक्टर रहता है और सेक्टर के अंदर डेटा रहता है, ठीक है। तो ट्रैक कैसे निकालेंगे हम लोग, ट्रैक जो निकालेंगे हम लोग वो क्या होगा, ट्रैक के अंदर सेक्टर, तो सेक्टर पर ट्रैक की बात होगी, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, ट्रैक ये होगा सेक्टर साइज, वन सेक्टर का साइज, ठीक है। तो सेक्टर पर ट्रैक कितने है, कितने सेक्टर हैं, 50 हैं, और सेक्टर का साइज कितना है, 512 बाइट्स हैं, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 0 5 2 10 5 1 5 6 5 5 20 5 2 5 6 0 और 0 बाइट्स, इस तरीके से आएगा। तो अब ऑप्शन में हम दे सकते हैं 25K दिया है हम, तो इसको अप्रॉक्स ले सकते हैं, अप्रॉक्स ये क्या हो जाएगा, 25K बाइट, किसका निकला ट्रैक का निकला। और ट्रैक पहले बोला है ना, टी की वैल्यू पहले बोला, देखो वहाँ लास्ट में टी और एस, तो टी मतलब 25 तो आ गया, दो जगह है, ठीक। अब हम लोग क्या निकाल लेते हैं, सेक्टर का निकाल लेते हैं। उसी तरीके से जब हम सेक्टर का निकालेंगे, सॉरी सरफेस का निकालेंगे, तो सरफेस का कैपेसिटी मतलब उसके अंदर क्या क्या होल्ड है, तो सरफेस के अंदर आपके पास क्या क्या मिलेगा, एक तो आपका सरफेस कितना है वो हमें देखना है। अच्छा सरफेस दो सरफेस होते हैं, ठीक है, और सरफेस के अंदर क्या क्या है, तो ट्रैक है, फिर सेक्टर है, फिर उस पर डेटा है ना। तो हमारे पास ट्रैक और सेक्टर का तो निकल गया 256, जिसको हम 25 लिए हैं, ठीक। तो यहाँ पर हमें क्या देना है, सरफेस की बात करना है। अब सरफेस कितना है हम लोग के पास, 5 डबल है बोला है, 5 डबल साइडेड प्लेटर की बात की गई है, ठीक है। अब 5 प्लेट है, उसके हर एक के दो सरफेस, तो 10 हो जाएंगे, तो ये 10 हो गया, ठीक है। और फिर ये पूरा 50 × 512, अब ये 512 का तो हमने निकाला ना 25K, और ये क्या हो गया 10, तो ये कितना हो जाएगा, 250K बाइट, इस तरीके से आएगा 25000, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या, अच्छा एक और चीज़ यहाँ पर गलती हुआ है, क्या हुआ है, सरफेस के अंदर ट्रैक भी तो बताना है ना, ये तो सेक्टर था, फिर ये सेक्टर का साइज़ था, मतलब जो डेटा हमने दिया वो, उससे पहले हम यहाँ पर एक और सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा गलती हुआ है यहाँ पर। ट्रैक कितने हैं, टोटल ट्रैक 2000 है, हर सरफेस में टोटल ट्रैक कितने हैं, 2000 है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर। फिर हम जो ये वैल्यू निकाले हैं, सेक्टर कितने होंगे और सेक्टर का साइज़ कितना है, तो वो 25K आएगा। अब इसको सॉल्व करो, अब आ जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या, 2 5 10 2 2 4, ठीक है, और फिर इसके 1 2 3 4, इस तरीके से, और के, तो हम अप्रॉक्स लेके चलेंगे, ठीक,
सॉरी 2 5 10 2 2 4 प्लस 1 5 होगा ना, तो 5 इतना कुछ आएगा, मतलब हमारा कितना आने वाला है ये वाला ऑप्शन, ठीक है। तो सेक्टर का साइज कितना आएगा 50,000 सॉरी 50,444 के, मतलब कि ऑप्शन नंबर 3 आएगा। तो क्लियर है आपको कैसे बताना है? सरफेस की कैपेसिटी बोलेगा तो होल्ड कितना चीज़ किया है वो सबको लेके चलना है, ट्रैक की कैपेसिटी बोलेगा तो ट्रैक के अंदर क्या क्या है वो सारी चीज़ों को लेके चलना है। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो ये थर्ड हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सेम उसी में ही है, बस हमें क्या पूछा है, व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ डिस्क इन बाइक। अब डिस्क का कैपेसिटी क्या होगा, पूरे डिस्क में भाई क्या क्या है, तो डिस्क में भाई क्या क्या थे अभी हमने देखा। सबसे पहले तो सरफेस, तो सरफेस हमारे पास कितने हैं, 10 होंगे क्योंकि 5 डबल साइडेड प्लेटर है, मतलब कि 10 सरफेस हो गए, ठीक है। नेक्स्ट फिर सरफेस के अंदर ट्रैक की बात होती है, ट्रैक कितने हैं 2000 है, फिर कितने बात होगी तो ट्रैक के अंदर सेक्टर कितने हैं तो 50 हैं, और 50 के बाद फिर सेक्टर के अंदर कितने डेटा हैं, तो डेटा जो है वो हमारे पास 512 है, 512 बाइट है, ठीक है। इस तरीके से है। अब कैपेसिटी डिस्क का पूछा है, अब इसको सॉल्व कर लो। इतना को जब हम लोग सॉल्व किए तो कितना आया था, 50 आया था ना, तो इतना क्यों वो करना, हमारे पास कितना आया था 50 और 40 करके, इसको टोटल सॉल्व करने से कितना आ रहा है 50 और 40 अभी जस्ट हमने निकाला था। सरफेस की कैपेसिटी, डिस्क की कैपेसिटी, उसी की बात हो रही है, तो ये आ जाएगा के साथ रहेगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर क्या आएगा 50 और 40 ये वाला 1 2 3 4, हाँ ठीक है। तो सेकेंड ऑप्शन आएगा, क्लियर है। ये सरफेस था, कितने सरफेस हैं, फिर सरफेस के अंदर ट्रैक कितने हैं, फिर ट्रैक के अंदर सेक्टर कितने हैं, और उस सेक्टर में हम कितना डेटा होल्ड करके रख सकते हैं, तो आप डेटा बाइट्स लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर सेक्टर साइज लिख सकते हैं, क्लियर है। तो ये इस तरीके से सॉल्व होगा सेकेंड ऑप्शन। अगला जो क्वेश्चन है उस पर हम देखते हैं, स्टेटमेंट वाइज है। अब यहाँ पर देखिए क्या बोला है, द डिस्क, पहला स्टेटमेंट, द डिस्क हैज़ अ टोटल नंबर ऑफ 2000 सिलेंडर्स, जो डिस्क है उसमें टोटल नंबर 2000 सिलेंडर्स है बोल रहा है, क्लियर है। अब जैसे हमने जो पहला डायग्राम आपको याद होगा, इस तरीके से हमने दो प्लेट बनाए थे, ठीक, तो मैंने कुछ इस तरीके से आपके पास डॉटेड लाइन भी दिए थे, ये तो ये ही टू ट्रैक है ना, ये जो था ये वाला पोर्शन, ये ट्रैक था, तो ट्रैक ही क्या होता है, सिलेंडर की बात करता है, ट्रैक और सिलेंडर दोनों सेम है। यहाँ हमें क्या बोला है कि टोटल जो डिस्क है उसमें टोटल नंबर ऑफ सिलेंडर कितने हैं 2000, और आपको देखो ट्रैक की वैल्यू भी कितने दी है 2000, मतलब कि ट्रैक और जो सिलेंडर है वो सेम है, तो आप वैल्यू सेम लेंगे तो इसका मतलब ये सही बोल रहा है, स्टेटमेंट फर्स्ट क्या होगा करेक्ट होगा। सेकेंड क्या बोल रहा है, 512 बाइट्स इज नॉट अ वैलिड ब्लॉक साइज ऑफ द डिस्क। ब्लॉक साइज मतलब सेक्टर का साइज, ठीक है। अब सेक्टर का साइज हमने देखा था कितना आ रहा था, 25 के आ रहा था सेक्टर का, तो अब यहाँ क्या बोला है, 512 बाइट बोल दिया, वो इतना होल्ड करके रख सकता है, नहीं रख सकता क्योंकि साइज ही छोटा है, ठीक। तो स्टेटमेंट सेकेंड क्या होगा, सही होगा, क्यों होगा, क्योंकि नॉट वैलिड बोला है ना, तो सही बोल रहे हैं, नॉट वैलिड है, नहीं हम रख सकते, तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या होने वाले हैं, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी बैच का। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है, इफ़ द डिस्क प्लेटर रोटेट, ओके, अब यहाँ बोरा वो जो हमने डिस्क बनाया था वो अब रोटेट हो रहा है, ठीक है, रोटेशन की बात की गई है, और यहाँ पर हम लोग को दिया गया है क्या, RPM दिया गया है, रोटेट एट 5400 RPM, RPM यानी रिवॉल्यूशन पर मिनट, देन अप्रॉक्सीमेटली व्हाट इज़ द मैक्सिमम रोटेशनल डिले, तो मैक्सिमम रोटेशनल डिले क्या होगा उसकी बात कर रहा है। तो देखो यहाँ पर हम लोग को बोल रहा है वन मिनट में 5400 RPM हो रहे हैं, रोटेशन हो रहे हैं, ठीक है, रोटेशन का रिवॉल्यूशन हो रहा है, तो वन रोटेशन मतलब, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 60 मिनट हो जाएंगे, और ये 5400,
तो वन रोटेशन का कितना होगा? तो वन रोटेशन के लिए हमने ले लिया 60 डिवाइड बाय 5400, ये हो गया वन रोटेशन का। अब रोटेशन डिले हमें बताना है, ठीक है। तो पॉइंट में आएगी वैल्यू 0.00 इस तरीके से आएगा। तो जैसे कि हमारे पास ऑप्शन है ये वाला 0.011 सेकेंड्स आने वाला है, ठीक है। 0.011 सेकेंड्स की बात हो रही है, तो ये जो है वैल्यू वो आएगा आंसर, ठीक। मतलब कि स्टेट जो फर्स्ट ऑप्शन है वो आएगा, क्लियर है। हम वन रोटेशन का निकाले और बता दिए ये 1/90 होता, उसके बाद फिर ये वैल्यू देता 1/90, ठीक, क्लियर। नेक्स्ट हम देखते हैं, ओके। नेक्स्ट हमारा जो होगा ये मिनट में था ना, 1/90 मिनट में है, इसको हमें सेकंड में कन्वर्ट किया तो हम ये आया, ठीक। अगला इसी का ही है क्वेश्चन जो है हमारा, वो है इफ़ वन ट्रैक ऑफ डेटा, मतलब एक ट्रैक दिया गया है डेटा का, कैन बी ट्रांसफर्ड पर रिवॉल्यूशन, पर रिवॉल्यूशन में एक ट्रैक के डेटा को ट्रांसफ़र किया जा रहा है, देन व्हाट इज़ द डेटा ट्रांसफ़र रेट। तो डेटा ट्रांसफ़र रेट क्या होगा उससे रिलेटेड बात की गई है। तो जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं, इससे पहले हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें हमने ट्रैक की कैपेसिटी निकाली थी, है ना। ट्रैक में कितने डेटा हमने जो स्टोर किए हैं, या कैपेसिटी बोल सकते हो, उसकी बात की थी हम लोगों ने। तो वन ट्रैक का जो डेटा हम लोग का निकला था वो कितना था, 25K bytes था, क्लियर। और एक और क्वेश्चन था जिसमें हम लोग रिवॉल्यूशन की बात किए थे, रोटेशन की बात किए थे, जिसमें उन्होंने बताया था, मतलब वहाँ पर हमने जो देखा था वो वन मिनट में 5400 RPM की बात किए गए था, ठीक है, रिवॉल्यूशन पर मिनट। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, हम वन रोटेशन का टाइम, मतलब वन सेकेंड में कितने रोटेशन है उसकी बात करते हैं। वन सेकेंड में कितने रोटेशन, मतलब कि ये वन मिनट में 60 seconds की बात हो गई, ठीक है, ये 5400 RPM। अब हम 1 second की बात कर रहे हैं, तो 1 second में कितने रोटेशन आ जाएंगे, 90 रोटेशन आ जाएंगे। 60 को 5400 से डिवाइड करना पड़ेगा, 90 रोटेशन आएगा, ठीक है, 90 रोटेशन की बात हो रही है। अब बात क्या करना था हम लोग को, डेटा ट्रांसफ़र रेट निकालना है। अब डेटा ट्रांसफ़र रेट के लिए इन्हीं दोनों का रिलेशन बनना है, डेटा ट्रांसफ़र जो रेट होगा वो कैसे निकलेगा, वन ट्रैक का कैपेसिटी, ठीक है, और मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ रोटेशन से, नंबर ऑफ रोटेशन और वन ट्रैक के कैपेसिटी से हम क्या निकालेंगे, डेटा ट्रांसफ़र रेट निकालेंगे। वन ट्रैक का कैपेसिटी हमारे पास कितना था, 25K byte में था, और यहाँ पर हमारे पास वन रोटेशन, मतलब कितना नंबर ऑफ रोटेशन, 90 रोटेशन पर सेकेंड की बात हो रही है, ठीक है, पर सेकेंड। तो इसका कितना आ जाएगा, 2250 करके कुछ आएगा, 2250K bytes पर रोटेशन, पर सेकेंड, सॉरी, ठीक है। तो ये जो डेटा ट्रांसफ़र रेट की वैल्यू होगी, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, 4 होगा। तो जब ट्रैक कैपेसिटी की बात, मतलब सॉरी, जब डेटा ट्रांसफ़र रेट की बात करेंगे तो वहाँ रिलेशन किसका किसका बनता है, ट्रैक का कैपेसिटी, एक ट्रैक का कैपेसिटी, और कितना नंबर ऑफ रोटेशंस हम बात कर रहे हैं, ठीक है, उसकी बात होगी। तो रोटेशन के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, RPM की वैल्यू होनी चाहिए, रोटेशनल पर मिनट, रिवॉल्यूशन पर मिनट, जो हमारे पास प्रीवियस इसका जो क्वेश्चन था, मतलब इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था जिसमें हमने सॉल्व किया था उससे रिलेटेड था, ठीक है। तो 5 questions इसी तरीके से ही दी जाती है कि हमें ज़्यादा उसमें कुछ करना नहीं पड़ता, हम एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते जाते हैं और उसी के ही आंसर हमें क्या हेल्प करते हैं कि आगे हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। जैसे कि इस क्वेश्चन में हमें ज़्यादा कुछ नहीं निकालना पड़ा, हमारे पास वन ट्रैक का कैपेसिटी भी हमें दिया गया था, हम निकाल चुके थे, और वन मतलब जो रोटेशन की बात हुई थी उसको भी हमने निकाला था, वहाँ हमने डिले की बात की थी जिसमें हम 0 point वाला कुछ आंसर लिए थे, यहाँ हम रोटेशन को लेंगे और डेटा ट्रांसफ़र रेट
की वैल्यू लेंगे। तो इस तरीके से टोटल हमारे पास 14 क्वेश्चन इस सेशन में पूछे गए थे, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन आप ज़रूर देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें पूछा गया था, जैसे कि पाइपलाइन था, के मैप था, उसके बाद फिर डिस्क स्ट्रक्चर से रिलेटेड था, लाइनक्स फाइल सिस्टम की बात की गई थी, कैश मैपिंग की बात की गई थी, और वो जो इंस्ट्रक्शन वाला था पहला, वो क्वेश्चन था। तो सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, बहुत ही इजी क्वेश्चंस थे, कॉन्सेप्ट हमें पता होने चाहिए, तो हम सभी चीज़ों को सॉल्व कर लेंगे। तो आज का सेशन आपको पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।